फियर जो होता है, डर जो होता है अदर्स, ये इंसानी कमजोरी नहीं है, इसको पहले आप याद रख लीजिए। इंसानी कमजोरी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। डर कमजोरी नहीं है, ह्यूमन नेचर है। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया, तीन जगह वाकया बयान किया और तीनों जगह मूसा अलैहिस्सलाम डर कर भाग गए, बल्कि डर कर पलट कर चले गए। तो पता चला फियर ह्यूमन नेचर का पार्ट है। जो लोग इस फियर को ओवरकम कर लेते हैं वो फियरलेस कहलाते हैं। जिसको फियर है ही नहीं और वो बोल रहा है कि मुझे किसी डर लगता है, उसको बोलते हैं पागल। एक आदमी कार के सामने खड़ा होगा, तेज रफ्तार ट्रेन के सामने खड़ा, मुझे डर नहीं लगता, हंस रहा है, ये है पागल। ये पागल है, फियरलेस नहीं है। फियरलेस पर्सन कौन होता है मालूम आपको? जिस आदमी को डर क्या है पता हो और उसके बाद उस डर को ओवरकम करता है, इसको बोलते फियरलेस पर्सन। ये निडर है। आपको पता है कि मैं जाऊंगा और सही बात करूंगा, जब सही बात करूंगा तो मुझे बैकलैश आएगा, इसका नतीजा बहुत खतरनाक हो, फिर भी मैं जाकर हक बात करने खड़ा रहूंगा। इसको डर भी है लेकिन वो सच भी बोलता है जाके। ये फियरलेस आदमी है। जिसको पता ही नहीं इसका नुकसान क्या होगा, वो तो जाके गर्म चीज को पकड़ लेगा, बाद में पछताएगा पूरी जिंदगी, फिर रखेगा ये। लेकिन यहां एक और चीज समझने की, फियर कभी कभार हमारा समाज हमारे तरफ बनाता है कि ये चीज डरना चाहिए। उन चीजों में आपको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। आप समझ रहे ना, कुछ चीजें समाज सिखाता है। एग्जाम्पल, आप छोटे हैं एकदम, 6 मंथ अयर एक साल के हैं और घर में बिल्ली आ गई। क्या आ गई? अब किसी के लिए बिल्ली आ गई तो वो भाग रही, इन्हें पीछे भाग रहा उसके, बिल्ली भाग रही कि अब गया मैं इन्हें पकड़ कर, आ गई वो दिन को उसके वो कर रहे, हाथ डाल रहे, गले में कर रहे, बिल्ली परेशान, अगली बार नहीं आना, खतरनाक है। अब दूसरा एक घर जिसने बिल्ली घुस गई, आप छोटे हैं और आपकी मम्मा ने कहा बिल्ली, अब आपको एक फियर बैठ गया, बिल्ली की मदद का बहुत खतरनाक चीज है। ये बेकार है, ये आपने समाज से सीखा, माहौल से सीखा, इसकी जरूरत नहीं है ये फियर। लेकिन नेचुरली आपको एनिमल्स का, पेट का फियर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डॉग्स का हो सकता है, कैट का हो सकता है, बट जो आप ले लेते समाज से सीखते वो मैं समझता जरूरी नहीं है। जैसा कि एकदम एक्सट्रीमली फियरफुल चीज जो हो सकती है औरतों के लिए, वो क्या है मालूम आपको? किचन में से निकला हुआ लाल लाल कलर का चिकना चिकना बड़ा कॉकरोच, जैसे कोई कूद के भाग रहा, फर्स्ट फ्लोर पे से नीचे कूद जा रहा, सीढ़ी पे से रोल होते हुए जा रहा, क्या है? अब अपन भाग रहे ऊपर के बाद दुश्मन आ गया, शायद कोई लाइसेंस गन है तो निकाल के लाओ, तलवार है तो निकालो, फलाएं ऊपर जा रहे, अंदर सब कापरी औरतें पूरी डरी हुई, हम जाए क्या है? अननेसेसरी फियर, इसकी जरूरत नहीं है। आप समझे? तो फियर ह्यूमन नेचर का पार्ट है। कोई डरता है तो कोई कमजोरी नहीं, ना ईमानी ना एज अ ह्यूमन बींग, ठीक है। सेकंड, जो फियर रखते हुए उसको ओवरकम करता है उसी को फियरलेस बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कातो सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।